पुलिस जिला बटाला की तरफ से राज्य सरकार की चलाई गई आटा दाल स्कीम के तहत मिलने वाले 2 रुपये किलो गेहूं की ब्लैक करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तरफ से मौके से करीब 85 क्विंटल गेहूं बरामद की। वहीं पुलिस की तरफ से केस दर्ज कर अगली कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस जिला बटाला के पुलिस थाना फतेहगढ़ चूड़ियन में पड़ी यह गेहूँ की बोरियाँ को देर बीती शाम पुलिस ने फतेहगढ़ चूड़ियन के ही रहने वाले एक व्यक्ति से बरामद की। वहीं पुलिस अधिकारी राम सिंह ने बताया कि उनकी पुलिस पार्टी को सूचना मिली थी कि फतेहगढ़ चूड़ियन का रहने वाला हरबंस सिंह राज्य सरकार की चलाई गई आटा दाल स्कीम के तहत मिलने वाले 2 रुपये किलो गेहूं को ब्लैक में बेच रहा है। वहीं जब मौके पर जाकर तफ्तीश की गई तो यह सामने आया कि हरबंस सिंह के पास कोई डिपो नहीं है, लेकिन उसके घर से करीब 85 क्विंटल गेहूँ की बोरियाँ बरामद हुई, जिसके बारे में उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया और पुलिस की तरफ से मौके पर पहुंचे हरबंस सिंह को गिरफ्तार कर गेहूं को भी कब्जे में लिया। वहीं तफ्तीश में यह सामने आया कि हरबंस सिंह डिपो होल्डरों से सस्ते भाव में गेहूं की खरीद कर उसकी ब्लैक करता था। वहीं पुलिस की तरफ से हरबंस सिंह को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 420 IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की तफ्तीश जारी है। आज़ाद टीवी न्यूज़ के लिए गुरदासपुर से रशपाल सिंह की रिपोर्ट। तो वह हाई मिलया जिन्होंने परमन पुछया कोई गलबात पुछी, उन्हें कोई प्रोह नहीं पेश किया वह तो वो कुल 83 क्विंटल 65 किलो कणक कोई बोरिया में सी कोई खुली सी वो बरामद हुई। तो जिससे मुकदमा नंबर 88 JURM 300 420 IPC 7 AC Act दर्ज करके दोषी ने गिरफ्तार कर लिया। अगली तफ्तीश जारी है, जो भी तो सामने आने वो कार्रवाई की जाएगी।